आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। इंदौर में दो तीन दिनों के अवकाश के बाद सोमवार को मंडी खुलते ही गेहूं की आवक बढ़ने की उम्मीद थी। कारोबारियों ने मन बना रखा था कि आवक बढ़ने के साथ दामों में गिरावट भी रहेगी। हालांकि सोमवार को जब कामकाज शुरू हुआ तो कारोबारियों का आकलन गलत साबित हो गया। सोमवार को लक्ष्मीबाई मंडी में गेहूं की आवक तो जोरदार रही, करीब 20,000 बोरी गेहूं लक्ष्मीबाई मंडी पहुंचा। हालांकि छावनी मंडी में आवक सीमित रही और सिर्फ 10,000 बोरी गेहूं पहुंचा। गेहूं के दाम में गिरावट तो नहीं बल्कि 10 से 20 रुपए की मजबूती ही दिखी। व्यापारियों का आकलन है कि निमाड के अहम पर गड़गौर के कारण आवक सीमित है। हालांकि अनुमान लगाया जा रहा है कि बीते दिनों की मजबूती को देखकर अब किसान गेहूं भी कम दामों पर बेचने को तैयार नहीं है। ऐसे में किसान माल भी रोक रहे हैं। गेहूं में लेवाली अच्छी है, प्रदेश की सभी मंडियों में दाम अच्छे हैं और सरकारी खरीद भी शुरू हो गई है। नतीजा है कि इस बार आष्टा, सीहोर और अन्य क्षेत्रों से भी इंदौर में रोटी वाला गेहूं कम आ रहा है। गेहूं निर्यात वालों ने भी कांडला के दाम 2350 रुपए तक खोले हैं। इससे भी गेहूं में आगे मंदी नहीं दिख रही है। मक्का में भी दाम मजबूत है, प्लांटों की ओर से भी भाव बढ़ाए गए हैं। गेहूं मिल क्वालिटी 2100 से 2150, मालवराज 2150 से 2175, पूर्णा 2300 से 2350, लोकवन 2300 से 2400 रुपए व मक्का 2300 से 2375 रुपए क्विंटल बिक रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। देश के हर छोटे बड़े दुकानदार स्टोर मालिक को बिग ब्लेस देता है खुशियों के वो पल जिनका हक है आपको। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।